निर्गमन अध्याय 39। निर्गमन अध्याय 39। फिर उन्होंने नीले, बैंजनी और लाल रंग के काढ़े हुए कपड़े पवित्र स्थान की सेवकाई के लिए और हारून के लिए भी पवित्र वस्त्र बनाए, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने एपोद को सोने और नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े का बनाया, और उन्होंने सोना पीट पीट कर उसके पत्थर बनाए, फिर पत्थरों को काट काट कर तार बनाए, और तारों को नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े में और सूक्ष्म सनी के कपड़े में कटाई की बनावट से मिला दिया। एपोद के जुड़ने को उन्होंने उसके कंधों पर से बंधन बनाए, वह तो अपने दोनों सिरों से जोड़ा गया, और उसके कसने के लिए जो काढ़ा हुआ पटुका उस पर बना, वह उसके साथ बिना जोड़ का और उसी की बनावट के अनुसार, अर्थात सोने और नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े का बना, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उन्होंने सुलेमानी मणि काटकर उनमें इस्राएल के पुत्रों के नाम जैसा छापा खोदा जाता है वैसे ही खोदे, और सोने के खानों में जड़ दिया, और उसने उनको एपोद के कंधे के बंधनों पर लगाया, जिससे इस्राएलियों के लिए स्मरण कराने वाले मणि ठहरे, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने चपरास को एपोद की लाई सोने की और नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े की और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े में बेलबूटे का काम किया हुआ बनाया। चपरास तो चौकोर बनी, और उन्होंने उसको दोहरा बनाया, और वह दोहरा होकर एक बित्ता लंबा और एक बित्ता चौड़ा बना, और उन्होंने उसमें चार पांति मणि जड़े। पहली पांति में तो माणिक्य, पद्मराग और लाडली जड़े गए, और दूसरी पांति में मरकत, नीलमणि और हीरा, और तीसरी पांति में लशम, सूर्यकांत और नीलम, और चौथी पांति में फिरोजा, सुलेमानी मणि और यशब जड़े। ये सब अलग अलग सोने के खानों में जड़े गए, और ये मणि इस्राएल के पुत्रों के नामों की गिनती के अनुसार 12 थे। 12 गोत्रों में से एक एक का नाम जैसा छापा खोदा जाता है वैसा ही खोदा गया। और उन्होंने चपरास पर डोरियों की नाई गुंथे हुए चोखे सोने की जंजीर बनाकर लगाई। फिर उन्होंने सोने के दो खाने और सोने की दो कड़ियां बनाकर दोनों कड़ियों को चपरास के दोनों सिरों पर लगाया। तब उन्होंने सोने की दोनों गुंथी हुई जंजीरों को चपरास के सिरों पर की दोनों कड़ियों में लगाया, और गुंथी हुई दोनों जंजीरों के दोनों बाकी सिरों को उन्होंने दोनों खानों में जड़ के एपोद के सामने दोनों कंधों के बंधनों पर लगाया। और उन्होंने सोने की और दो कड़ियां बनाकर चपरास के दोनों सिरों पर उसकी उस कोर पर जो एपोद की भीतरी भाग में थी लगाई। और उन्होंने सोने की दो और कड़ियां भी बनाकर एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर नीचे से उसके सामने और जोड़ के पास एपोद के काढ़े हुए पटुके के ऊपर लगाई। तब उन्होंने चपरास को उसकी कड़ियों के द्वारा एपोद की कड़ियों में नीले फीते से ऐसा बांधा कि वह एपोद के काढ़े हुए पटुके के ऊपर रहे और चपरास एपोद से अलग न होने पाए, जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर एपोद का बागा संपूर्ण नीले रंग का बनाया गया, और उसकी बनावट ऐसी हुई कि उसके बीच 72 के छेद के समान एक छेद बना, और छेद के चारों ओर एक कोर बनी कि वह फटने न पाए। और उन्होंने उसके नीचे वाले घेरे में नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े के अनार बनाए, और उन्होंने चोखे सोने की घंटियां भी बनाकर बागे के नीचे वाले घेरे के चारों ओर अनारों के बीचों बीच लगाई, अर्थात बागे के नीचे वाले घेरे की
चारों ओर एक सोने की घंटी और एक अनार, फिर एक सोने की घंटी और एक अनार लगाया गया कि उन्हें पहने हुए सेवा टहल करे, जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर उन्होंने हारून और उसके पुत्रों के लिए बुनी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के अंगरखे और सूक्ष्म सनी के कपड़े की पगड़ी और सूक्ष्म सनी के कपड़े की सुंदर टोपियां और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े की जांघिया और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े की और नीले बैंजनी और लाल रंग की कारचोबी काम की हुई पगड़ी, इन सबों को जिस तरह यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी वैसा ही बनाया। फिर उन्होंने पवित्र मुकुट की पटरी चोखे सोने की बनाई और जैसे छापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे गए, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र। और उन्होंने उसमें नीला फीता लगाया जिससे वह ऊपर पगड़ी पर रहे, जिस तरह यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। इस प्रकार मिलाप वाले तंबू के निवास का सब काम समाप्त हुआ और जिस जिस काम की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी इस्राएलियों ने उसी के अनुसार किया। तब वे निवास को मूसा के पास ले आए, अर्थात घुंडिया, तख्ते, बेंडे, खम्बे, कुर्सियां आदि सारे सामान समेत तंबू, और लाल रंग से रंगी हुई मेंढों की खालों का ओढ़ना और सुइसों की खालों का ओढ़ना और बीच का पर्दा, डंडों सहित साक्षी पत्र का संदूक और प्रायश्चित का ढकना, सारे सामान समेत मेज और भेंट की रोटी, सारे सामान सहित दीवट और उसकी सजावट के दीपक और उजियाला देने के लिए तेल, सोने की वेदी और अभिषेक का तेल और सुगंधित धूप और तंबू के द्वार का पर्दा, पीतल की झंझरी, डंडों और सारे सामान समेत पीतल की वेदी और पाए सहित हौदी, खम्बों और कुर्सियों समेत आंगन के पर्दे और आंगन के द्वार का पर्दा और डोरिया और खुंटे और मिलाप वाले तंबू के निवास की सेवकाई का सारा सामान पवित्र स्थान में सेवा टहल करने के लिए वेलबूटा काढ़े हुए वस्त्र और हारून याजक के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र जिन्हें पहनकर उन्हें याजक का काम करना था, अर्थात जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उन्हीं के अनुसार इस्राएलियों ने सब काम किया। तब मूसा ने सारे काम का निरीक्षण करके देखा कि उन्होंने यहोवा की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया है और मूसा ने उनको आशीर्वाद दिया।